हेलो एवरीवन। तो ये क्लास 10th क्वाड्रेटिक का हमने एक टेस्ट लिया था, उसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो काफी बच्चों से नहीं हुआ तभी डिस्कस कर रहा हूं ये मैं। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू सिक्स टाइम्स द सम ऑफ द इंटीजर्स। इफ स्मॉलेस्ट इंटीजर इज एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन। तो कौन सी इक्वेशन अबाउट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगी। लेट द फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। ओके एवरीवन, ये तो दिया ही हुआ है, स्मॉलेस्ट इंटीजर, लेट करने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है। इससे जस्ट नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, एक ज्यादा होगा, एक्स प्लस वन। इससे और अगला इंटीजर क्या होगा बोलो, एक्स प्लस टू। तो इनका जब प्रोडक्ट करूंगा तो x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू करूंगा, ठीक है, और उधर से इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू सिक्स टाइम्स का सिक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू। बहुत ही बढ़िया, यहां पे दिमाग लगाना है। अब आप सोचोगे यार इन तीनों को प्रोडक्ट करके तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, हाँ या ना? यस सर। लेकिन ऑप्शंस तो सारे क्वाड्रेटिक में है, तो कहीं ना कहीं कैंसल आउट होगी चीज कोई ना कोई। आइए मैं आगे करके दिखा रहा हूं आपको, यहां पे दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में, तभी काफी सारे बच्चों से नहीं हुआ ये क्वेश्चन। तो अंदर क्या हुआ, x प्लस एक्स प्लस एक्स, थ्री एक्स प्लस थ्री, थ्री एक्स प्लस थ्री। अब जल्दी से बताओ कुछ कॉमन आ सकता है? यस सर। यस सर। क्या कॉमन आ सकता है, थ्री, थ्री। तो अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस वन। अब आप ध्यान से देखो, x प्लस वन दोनों तरफ है, कट हो गया। यस सर। बस हमारी मतलब एक x प्लस वन कट हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक ही बनेगी। देखो x इंटू एक्स क्या हुआ बेटा, एक्स स्क्वायर, x इंटू टू क्या हुआ बोलो, टू एक्स, और सिक्स इंटू थ्री क्या हुआ, एटीन। अब उधर जाके क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एटीन इज इक्वल टू जीरो। अब ये चार ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चों से ही हो पाया है।